अलगाववादी मसर्रत आलम की रिहाई को लेकर जम्मू कश्मीर की राजनीति और गर्म होती जा रही है। मुफ्ती सरकार यूं कह रही है कि मानो जम्मू कश्मीर में मसर्रत की रिहाई के बिना अमन मुमकिन नहीं, जबकि मोदी सरकार यूं अनजान है कि मानो उसे भनक ही नहीं। कश्मीर से दिल्ली तक जिस मसर्रत की रिहाई पर राजनीति सातवें आसमान पर है, वो जेल से बाहर आया तो कैसे। मसर्रत की रिहाई के बाद अब चंद खत और कुछ खुलासे सामने आने से जिम्मेदारियों की फेकाफेकी शुरू हो गई है। आज तक को मिली जानकारियों से जो तस्वीरें सामने आती हैं, उसका सिलसिलेवार ब्योरा कुछ यूं बनता है। तारीख 9 दिसंबर 2014, जम्मू के डीएम ने होम कमिश्नर को खत लिखा। खत में मसर्रत की हिरासत को मंजूर करने की बात कही, लेकिन मसर्रत की रिहाई की प्रक्रिया राज्यपाल शासन के दौरान शुरू हुआ। तारीख 4 फरवरी 2015, होम कमिश्नर ने डीएम को खत लिखा। खत में पूछा, 23 दिन बाद मंजूरी क्यों मांगी। खत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया। 12 दिनों के अंदर आदेश न लेने पर सवाल भी था। होम कमिश्नर का कहना था, दोबारा हिरासत में रखना है तो आदेश जारी करो। तारीख 7 मार्च 2015, डीएम ने एसएसपी जम्मू को लिखकर सारा ब्यौरा दिया। जिला प्रशासन ने एसएसपी से कहा, हिरासत का ग्राउंड बताओ। दरअसल इसके बाद जिस तेजी से मसर्रत की रिहाई पर मुफ्ती सरकार हरकत में आई, वो हैरान कर देने वाला है। 7 मार्च को छुट्टी का दिन था, सरकारी दफ्तर बंद थे, लेकिन इससे पहले कि एसएसपी नया आरोप पत्र पेश करता, होम कमिश्नर ने मसर्रत की रिहाई का आदेश जारी कर दिया। उसी दिन आदेश बारामूला जेल भी पहुंच गया और रात होते होते मसर्रत खुली हवा में आजादी की सांस ले रहा था। इसलिए आज राजनाथ सिंह ने भी पूरी मजबूती के साथ मसर्रत मामले में मुफ्ती से किसी किस्म की बातचीत या मुलाकात से इनकार किया है। नवोत के पहले हमारी कोई बात हुई, आज बात हुई, शायद 2-2.5 वर्ष 3 वर्ष में हमारी शायद बात तो कभी नहीं हुई है। जो कुछ भी करना होगा करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि इस देश की सिक्योरिटी से हमारी सरकार किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं कर सकती है। मसर्रत की रिहाई पर बीजेपी और मोदी सरकार को कोसने वाले सहयोगी भी थोड़े नरम दिख रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि मसर्रत आलम के बारे में जो निर्णय वो सरकार ने लिया था, उस बारे में उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं हुई थी, वो अंधेरे में थे। लेकिन प्रधानमंत्री को अंधेरे में रखना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है इतने बड़े फैसले के बारे में, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश का है। लेकिन इस सब के बावजूद सड़क से संसद तक मसर्रत का मुद्दा लगातार उछल रहा है। बीजेपी को पीडीपी से गठबंधन भारी पड़ रहा है, लेकिन असल सवाल तो ये भी है कि जब गवर्नर रूल के दौरान मसर्रत की हिरासत की मियाद खत्म हो रही थी, तो केंद्र के गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली। और सवाल ये भी कि मुफ्ती सरकार मसर्रत की रिहाई को लेकर इतनी हड़बड़ी में क्यों थी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या मोदी की चेतावनी के बाद अब अलगाववादियों की रिहाई रुकेगी। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक।